व्लॉग में आपने देखा था कि फ्रेंड्स हम गए थे नेपाल, साथ ही साथ हम गए थे तालबराही टेम्पल। और फ्रेंड्स आज जहाँ जाने वाले हैं हम, वो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेसेस हैं। तो फ्रेंड्स अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं वॉच किया तो जाओ जल्दी से वॉच करो। आज की हमारी फर्स्ट लोकेशन है विंध्यवासिनी टेम्पल। तो चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ आपसे विंध्यवासिनी टेम्पल पहुँचने के बाद। फ्रेंड्स हम लोग पहुँच चुके हैं विंध्यवासिनी टेम्पल और अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर। चुके हैं फ्रेंड्स और ये रहे हनुमान जी, और ये एक पेड़ है जिसकी पूजा होती है, इंडियन कल्चर में भी पूजा होती है ऐसे। और ये रहा विंध्यवासिनी टेम्पल। सबसे पहले हम जाने वाले हैं शिवा टेम्पल के अंदर। फ्रेंड्स ये रहा बाहर से विंध्यवासिनी टेम्पल का व्यू। फ्रेंड्स वीडियो बनाना अंदर नहीं अलाउड था इसलिए मैंने आपको बाहर से ही दिखा दिया है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे दर्शन हो चुके थे और अभी हम लोग गए थे नेक्स्ट मंदिर में। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो बनाना नहीं अलाउड था किसी किसी टेंपल में, तो यहाँ पे भी बिल्कुल नहीं अलाउड था। तो फ्रेंड्स ये है विंध्यवासिनी टेंपल से व्यू जो कि बहुत ही सुंदर आ रहा था। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं वापस। फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन पे जो कि है सेती रिवर। लोकेशन पे टिकट करवाने के बाद हम गए अंदर और यहाँ से गार्डन व्यू बहुत ही सुंदर आ रहा था। तो चलिए अभी नीचे चलते हैं। फ्रेंड्स हम लोग पहुँच चुके थे नीचे और यहाँ का जो एरिया था बहुत ही ठंडा था और इससे पता चल रहा था कि पानी भी बहुत ठंडा है। फ्रेंड्स ये सिर्फ सेती रिवर ही नहीं कहलाती है, दूध गंगा भी कहलाती है और बहुत ही ठंडा पानी है। गर्मियों में खासकर एनर्जी देने के लिए ये पानी मेरे ख्याल से तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होगा। फ्रेंड्स ये सिर्फ यहीं से नहीं बह रही थी, ये पहाड़ों के बीच से भी आ रही थी। इसकी बहुत ही बड़ी प्लेस है, मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। वैसे तो हम वहाँ विज़िट नहीं किया हम लोगों ने। फ्रेंड्स इसकी आवाज़ आप सुनो एंड उसके बाद गेस करो कि जो पीछे बिल्डिंग थी वो वहाँ पर लोग रह कैसे रहे होंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे बकेट दिया हुआ था तो हम लोग ने पानी निकाला इसमें और बहुत ही ठंडा पानी था जैसा कि हमने गेस किया था, और बहुत ही एनर्जेटिक वाटर, मैंने आपसे बताया ये बहुत एनर्जेटिक वाटर है खासकर गर्मी में।
उसके बाद फिर मैंने भी ट्राई किया और पानी सच में बहुत ठंडा था। फिर मैंने बकेट से भी निकाल के ट्राई किया एंड उस बहादुरी में मैंने जूता भिगा दिया था अपना। हमने बहुत इंजॉय किया और आपने आवाज़ें भी सुनी होंगी। तो फ्रेंड्स, अभी हम जाने वाले हैं अपनी सेकेंड लोकेशन, सॉरी थर्ड लोकेशन पे, जो कि है महिंद्रा केव। चुके हैं महिंद्रा केव और यहाँ से हमने टिकट करवाने के बाद हम लोग अंदर गए और यहाँ से गार्डन व्यू बहुत ही सुंदर था और गार्डन के पास से पहाड़ भी दिख रहा था, जो कि बहुत ही सुंदर व्यू था फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं अंदर। बाहर से महिंद्रा केव का व्यू और अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं और भी अंदर अभी हमें जाना है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अंदर। अंदर का एरिया बहुत ही ठंडा था और हमें बहुत मज़ा भी आया। ये हमारा फर्स्ट केव एक्सपीरियंस था, अभी हमें दूसरा केव एक्सपीरियंस भी इंजॉय करना है। फ्रेंड्स, केव के एंडिंग में आके हमें यहाँ पे गणेश जी दिखे। आई डोंट नो, मुझे याद भी नहीं है, गणेश जी थे शायद। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे सबको टीका लग रहा था, सबको आशीर्वाद दिया जा रहा था और मुझे आशीर्वाद ये मिला कि एग्ज़ाम के टाइम पे मोबाइल ज़्यादा मत चलाना। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट केव एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही इंजॉयबल रहा और बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल रहा। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे गए और हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखी और माउंटेन व्यू और गार्डन व्यू बहुत ही सुंदर था यहाँ से। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एक गुफा का एरिया दिखा, बट ये शायद पुराना था और ब्लॉक भी था, यहाँ जाने का रास्ता नहीं था। और फ्रेंड्स, उसके बाद फिर हम गए ऊपर, ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग था नहीं वहाँ पे, बट बहुत मज़ा आया यहाँ पे, एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा।
फ्रेंड्स, आज का हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट मिल जाए। और जिसने भी पुराना व्लॉग नहीं वॉच किया है, जाके जल्दी से वॉच कर लो। और फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताना कि यहाँ की फेमस फूड क्या है, नेपाल की फेमस फूड क्या है।